फाइनली हमारे पास है यहाँ पे 23 का लेटेस्ट मॉडल जो कि एस्प्रेसो का है, इसका हम ड्राइविंग रिव्यू देने वाले हैं। मैं एज ए ऑनर इस गाड़ी को जो ड्राइव करने वाला हूँ और यहाँ पे इस गाड़ी को मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो गाड़ी बहुत ऊंची है, सबसे अच्छी बात है, और आपको देख सकते हैं मैं अगर आपको यहाँ पे विंडोज डाउन करके दिखाऊँ तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, काफी ऊंची गाड़ी है, मतलब नो डाउट काफी बढ़िया है। अब चलिए हम इसको ड्राइव करके देखने वाले हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई इसकी इंजन की, जैसे साउंड की मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी विंडो हमारी चालू क्लोज है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, स्टार्ट करने की, अच्छा तो दोस्तों फाइनली हम गाड़ी को जो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए इसमें एक अच्छा फीचर ये दिया गया है कि बिना क्लच के भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना, यही है फीचर। अगर आपने क्लच नहीं पकड़ा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, देख सकते अभी गाड़ी स्टार्ट है। अब आप BS6 का भाई नॉइस सुनिए, आपको नॉइस सुनाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज मुझे खुद नहीं सुनाई दे रहा, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, और देखिए अगर मैं एक्सीलेटर देता हूँ तब भी भाई बहुत, मतलब कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा डिसेंट है, मतलब बहुत हल्की आवाज आ रही है। तो चलिए अभी हम गाड़ी को जो है ड्राइव करने वाले हैं, फर्स्ट गियर लगा लेते हैं और यहाँ पे उठाने वाले हैं। तो चलिए अपनी गाड़ी को हम यहाँ पे उठा लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं और देख लेते हैं भाई, थोड़ा हेडलाइट ऑन कर देते हैं क्योंकि ड्राइविंग का जो है नाइट का जो है कह सकते हैं कि रिव्यू है और किस तरीके का एक्सपीरियंस है वो मिलता है। भाई हॉर्न देखना भाई, गजब का हॉर्न है यार एकदम, है मतलब मानना पड़ेगा। और गियर शिफ्टिंग भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कह सकते हैं गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और ये देख सकते हैं भाई यहाँ का आप क्लस्टर देखिए, इस तरीके का क्लस्टर जो मिलता है आपको भाई। स्टीयरिंग भाई पावर मिलता है जो कि इस तरीके से देखने को मिलता है भाई। पावर स्टीयरिंग में देख सकते हैं, कह सकते हैं भाई एक मतलब वन हैंडली घूम जा रहा है ना एकदम, ये देख सकते हैं। और गाड़ी को अगर हम चलाते हैं इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलता है भाई। एस्प्रेसो आज मैं फर्स्ट टाइम से ही बता रहा हूँ ड्राइव कर रहा हूँ मैं, और मेरा खुद का मैं ऑल्टो चलाता हूँ भाई, ऑल्टो से ज़्यादा मुझे इसमें मेरे को एक्सपीरियंस भाई इसमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देख सकते हैं हमने गाड़ी को जो है यहाँ पे ड्राइव कर लिया और यहाँ पे भाई गियर शिफ्टिंग इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है भाई। मैं ऑल्टो में लगाता हूँ ना भाई थोड़ा टाइट लगता है, बट इसका ज़्यादा गियर शिफ्टिंग मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं हम अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहे हैं और भाई ब्रेकिंग भी भाई पावर मिलती है एकदम, बहुत जल्दी मतलब इंस्टेंट जो ब्रेकिंग लगती है। ठीक है, और चलो हम गाड़ी को भाई, स्टीयरिंग तो भाई बहुत गजब घूम रहा है एकदम, स्टीयरिंग का मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है स्टीयरिंग का। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये लो बीम है, ये हमारी हाई बीम है, और जो चल रही है गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके का लग रहा है। ठीक है, और भी हम हमारे ये इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सीट बेल्ट का आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा, मेक श्योर आपको सीट बेल्ट लगा के चलना है। मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसलिए सीट बेल्ट हमने नहीं मतलब यहाँ पे इंस्टॉल किया है, बट आपको हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलनी है क्योंकि ड्राइविंग रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ें, और ये देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके से मिलता है, और ये देख सकते हैं भाई सीट बेल्ट का आपको यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाने वाला है भाई। एस्प्रेसो चलाने में ना भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। तो दोस्तों होपली आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड मिल गया होगा। ठीक है, तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।